तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास एक्सपेरिमेंट। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रांसमीटर को कैसे बनाएं और हम इससे 12 से 15 वोल्ट कैसे प्राप्त करें। तो हमें चाहिए होगा ये ट्रांसमीटर और यह एक छोटा सा डायोड। यह डायोड आप कोई सा भी ले सकते हैं, पर यह वाला ही डायोड लें। तो हम इस डायोड को ले लेंगे और यह ट्रांसमीटर भी ले लेंगे। यह आपको घर पे मिल जाएगा या आप इसे दुकान पे से भी ख़रीद सकते हैं 100 से 200 रुपए में। और हमें देखने को मिल रहे होंगे ये तीन वायर। तो हमें इसमें से एक वाइट वायर को गठान लगा के एक साइड कर देना होगा और इस वाइट और ब्लैक वायर को ले लेना होगा। तो हम ब्लैक वायर को लेंगे माइनस और वाइट वायर को प्लस। और हमें ये चाहिए होगा एक गत्ता और हम इसे फेविक्यूब से अपने ट्रांसमीटर पर चिपका देंगे। तो हम इसे सबसे पहले इसके ऊपर चिपका लेते हैं। तो मैं इसे इसके ऊपर चिपका लेता हूँ जल्दी से। आप भी ऐसे ही करके इसको चिपका सकते हैं और ना चिपकाना चाहे तो वो अलग बात है। तो हम इसके ऊपर इसको फटाफट से चिपका रहे हैं ताकि इधर उधर ही ले नहीं और शॉर्ट होने का खतरा भी ना रहे। इसलिए मैं कहूँ तो आप इसे अपने ट्रांसमीटर पर ऐसे करके चिपका ही लें। हम इसे अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से सुखा लिया है और इस ट्रांसमीटर को हमें इस पट्टी की साइड से नीचे की ओर लगाना है। तो हमने इसे नीचे लगा लिया है। प्लस वायर हम इस पट्टी को ऊपर की तरफ लेंगे और इस ब्लैक वायर को हम यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे। आप इसे सोल्ड भी कर सकते हैं या आप चाहे तो इसे मरोल्ड के भी काम चला सकते हैं। तो मैं इसे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया है। और इसके ऊपर अच्छी तरीके से मैं और सोल्डरिंग कर लेता हूँ ताकि ये बार बार हिले डुले नहीं और तार नहीं निकले। तो मैंने इसे सोल्ड कर लिया है एक वायर को और दूसरे वायर को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके ऊपर एक हमें छोटा सा वायर लेना है ऐसा वाला और इसके ऊपर की ओर प्लस की साइड हमें इसको लगा लेना है। आप इसे ऊपर डायोड को भी चिपका सकते हैं ताकि ये भी हिले नहीं। तो मैं इसे अच्छे तरीके से डायोड को चिपका लेता हूँ इस गत्ते पर। तो हम इसे इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं और इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया है, आप भी ऐसे ही कर लीजिए। और हमें ये दोनों वायर प्लस माइनस मिल चुके हैं। हमें यहाँ से 12 से 15 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस ट्रांसमीटर से MP3 प्लेयर चलाना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर इस वीडियो को देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर